दोस्तों, अगर आपको बजट अच्छा खासा है और आप देख रहे हैं बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 1 लाख, तो आज हम आपको बेस्ट ऑप्शंस देंगे। वी हैव द बेस्ट रिकमेंडेशन विच यू कैन कंसिडर टू बाय योर गेमिंग लैपटॉप अंडर 1 लाख। तो हमने कुछ ऐसे लैपटॉप डिसाइड करे हैं, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स डिसाइड करे हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, ग्राफिक्स ओरिएंटेड हो, ताकि आप एक ग्राफिक इंटेंसिव गेमिंग कर पाओ। जैसे GTA 5 हो गया, Forza हो गया, PUBG तो खैर प्रोसेसर इंटेंसिव है, मतलब GPU इंटेंसिव है, बट यस बहुत सारे कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं परफॉर्मेंस बेस्ड जो हमने अपने आपके लिए डिसाइड करे हैं गेमिंग लैपटॉप के अंदर। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, नंबर 1 पे हमने रखा हुआ है Lenovo Legion सीरीज का Legion 5 लैपटॉप। इसके अंदर आपको AMD Ryzen 7 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि आपको 5th जनरेशन का मिलेगा। एंड यस, अगर इस प्रोसेसर के कोर्स की बात करें तो इसमें आपको 8 कोर्स मिल जाते हैं। गाइस, अगर रैम की बात करें तो आपको इसके अंदर DDR4 16GB की रैम मिल जाती है, एंड दैट इज गुड। एंड अगर इसकी डिस्प्ले की बात करूं ना, तो डिस्प्ले मुझे काफी अच्छा लगा इसका। आपको एक IPS पैनल मिल जाता है 15.6 फुल HD Dolby Vision के साथ। यस गाइस, Dolby Vision के साथ आपको इसका डिस्प्ले मिल जाता है। एंड यस, इसके अंदर 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एंड दैट इज अमेजिंग, 165 हर्ट्ज। तो दोस्तों, अगर इसके स्टोरेज की बात करें तो फैमिली पैक पर ध्यान नहीं देना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा। तो इसके अंदर आपको 512GB की SSD मिल जाती है, और अगर इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो आपको ये 5 से 6 घंटे का बैकअप दे देता है। और अगेन इसके जान की बात करें, यानी कि GPU की, तो इसके अंदर आपको 4GB NVIDIA GeForce RTX 3050, एंड दैट इज अगेन अ गुड प्रोसेसर इन द बजट। एंड यस, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की बात करें तो इसमें भी सारे आपको मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे। सेकेंड नंबर पे आता है Asus ROG Zephyrus G14। दोस्तों, जितने भी मैं आपको लैपटॉप्स बता रहा हूं, उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और 1 लाख से 1.5 लाख तक, यानी कि 1 लाख to 1.5 लाख के कुछ सजेशन मैंने आपको दिए हुए हैं, कुछ गेमिंग लैपटॉप्स भी मैंने आपको सजेस्ट किए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, उन्हें भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसकी CPU की बात करें तो इसके अंदर भी आपको 5th जनरेशन का AMD Ryzen 7 प्रोसेसर इसके अंदर आपको मिल जाता है। एंड रैम की बात करें तो 8GB के आपको DDR4 RAM इसके अंदर मिल जाती है, जो कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं 24GB तक। इसके अंदर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। अगर स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर आपको 512GB 512GB की SSD इसके अंदर आपको मिल जाती है। एंड बैकअप की बात कर ले तो गाइस, ये आपको 7 आवर्स का बैकअप दे सकता है। ऑल्दो कंपनी क्लेम करती है इतना, लेकिन मैं 4 से 5 घंटे का बैकअप का तो बता ही सकता। तो दोस्तों, बात करें इसकी जान की, यानी कि GPU की, ऑब्वियसली हम इसी के लिए वेट कर रहे होते हैं कि GPU कौन सा है। तो इसके अंदर आपको NVIDIA का GeForce GTX 1650 ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, जो कि आपको 4GB का मिलेगा, एंड GDDR6 वेरिएंट का मिलेगा। तो गाइस, अगर इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की बात करो तो इसके अंदर भी आपको सारे पोर्ट्स ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, टाइप सी, टाइप ए, 3.5mm जैक, HDMI 2.0, मतलब ऑलमोस्ट सारे आपको मिल जाएंगे। इस थर्ड नंबर पे आता है Acer Nitro 5। वैसे दोस्तों, हम सारे लैपटॉप की डिटेल्स और इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं वीडियो के अंदर ही, लेकिन अगर आपको और ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं अपनी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से पढ़ के पूरी डिटेल्स ले सकते हैं, एंड चाहे तो वहां से बाय भी कर सकते। तो गाइस, बात कर ले इसके प्रोसेसर की, तो इसके अंदर आपको इंटेल का i7 प्रोसेसर मिल जाता है 11th जनरेशन। और रैम की बात करें तो गाइस, इसके अंदर आपको 16GB की DDR4 रैम मिल जाती है, जो कि एक्सटेंडेबल है 32GB तक। एंड गाइस, डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर आपको 15.6 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है IPS पैनल के साथ। एंड अगर रिफ्रेश रेट की बात करूं तो इसके अंदर आपको 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको 256GB की SSD मिल जाती है, प्लस इसमें 1TB की आपको हार्ड डिस्क भी मिल जाती है, एंड दैट इज अमेजिंग कि आप 1TB में जितना भी आपका एक्स्ट्रा काम वगैरह है वो उसके अंदर रखो और गेम इंस्टॉल करो 256GB में, और अगर ज्यादा गेम्स खेलने तो यू नो व्हाट आई मीन। एंड दोस्तों, बैटरी बैकअप की बात करें तो इसके अंदर आपको 8 आवर्स तक का बैकअप मिल जाएगा, बाकी कंपनी क्लेम करती है, ऑल्दो आप 4 to 5 आवर्स का लेके जरूर चलिएगा। तो दोस्तों, अगर बात करें इसकी जान की, मतलब लैपटॉप की जान की, GPU की, तो इसमें आपको मिल जाता है NVIDIA का GeForce RTX 3050 Ti, एंड दैट इज वेरी गुड GPU
इन दिस बजट सेगमेंट। और गाइज इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की बात करें तो इसमें भी आपको सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट मिल जाते हैं। तो गाइज नेक्स्ट लैपटॉप आ जाता है Asus TUF-F15। यस टफ, ठीक है ना। तो आप भी जरा बॉडी वॉडी बनाओ, दिखाओ जरा, टफ बनो, ठीक है। कमेंट में बताना कितने लोगों की बॉडी बनी हुई है, ठीक है। मेरी तो नहीं है, मेरा तो फैमिली पैक है बट इतना भी नहीं है, थोड़ा सा अगर थोड़ा मेहनत करूंगा तो यार ऑब्वियसली हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। सो गाइस अगर इसके बात करूं मैं सीपीयू की, तो इसके अंदर आपको 11th जनरेशन इंटेल का i7 प्रोसेसर आपको मिल जाता है, एंड दैट इज अमेजिंग प्रोसेस, इंटेल का i7। और रैम की बात करूं गाइस, इसके अंदर आपको 16GB की DDR4 रैम मिल जाती है, जो कि एक्सटेंडेबल है 32GB। दोस्तों अगर बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसके अंदर आपको VIPS पैनल मिल जाता है, जिसका कि साइज है 15.6 इंचेस का, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। अगर स्टोरेज की बात करें, तो इसके अंदर 512 यानी 512GB की SSD आपको इसके अंदर मिल जाती है, एंड बैकअप की बात करें तो इसके अंदर आपको 7 घंटे का बैकअप मिल जाता है। तो दोस्तों बात करें इसकी जान की, यानी कि GPU की, ऑब्वियसली हम इसी के लिए वेट कर रहे होते हैं कि GPU कौन सा है। तो इसके अंदर आपको NVIDIA का GeForce GTX 1650 ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, जो कि आपको 4GB का मिलेगा, एंड GDDR6 वेरिएंट का मिलेगा। आपकी नंबर 5th पे जो आता है वो है HP Pavilion 15। इसके अंदर आपको 5th जनरेशन AMD Ryzen 7 का प्रोसेसर मिल जाता है, एंड साथ ही साथ इसके अंदर आपको 16GB की DDR4 रैम मिल जाती है। तो गाइस अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें, तो इसके अंदर आपको 15.6 इंचेस का एंटी ग्लेयर IPS पैनल मिल जाता है, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। एंड स्टोरेज की बात करें, तो इसके अंदर आपको 512GB की SSD मिल जाती है, एंड बैकअप की बात करें तो इसके अंदर आपको 4 से 5 घंटे का बैकअप मिल जाता है। इनपुट आउटपुट्स की बात करें, तो इसमें भी आपको ऑलमोस्ट सारे इनपुट आउटपुट्स मिल जाते हैं, लेकिन गाइस ये ध्यान रखिएगा इसमें HP की ब्रांडिंग है, HP के लैपटॉप्स काफी अच्छे होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी सारे लैपटॉप्स बताए वो सारे अच्छे हैं, बट HP का एक मतलब अलग ट्रस्ट है, अलग ब्रांडिंग है। सो ये लैपटॉप भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशन लगी हो तो यार लाइक कर दिया करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस और भी लेके आने वाले हैं, अगर मिस नहीं करनी ना तो बस सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी यूनाइटेड।